मुंबई के एक अखबार की हेडलाइन है, कैटरीना एंड रणबीर बिगिनिंग ऑफ द एंड। थोड़ा नीचे प्रिंट किया गया है, सलमान कैट टू रीयूनाइट इन दुबई। यानी 2010 खत्म हो गया है और इस साल की एक बड़ी जूसी लिंकअप की स्टोरी का भी दी एंड हो चुका है। लेकिन साल खत्म होने के एक दिन पहले तक का अपडेट ये है कि रणबीर और कैटरीना दोनों ही दिल्ली में हैं। कैटरीना यशराज की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की शूटिंग कर रही हैं और रणबीर रॉक स्टार की शूटिंग में अपनी को स्टार नरगिस फखरी के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ऐसा पेपर ने प्रिंट किया है। यानी रणबीर की अजब प्रेम की गजब कहानी में से कैटरीना का चैप्टर क्लोज हो गया है और रणबीर प्रेम कहानी में नरगिस का नाम जुड़ गया है। वैसे ये न्यूज भी काफी पुरानी हो चली है, अब फिर भी इसे बड़ा बनाकर पेश किया गया है। पर सवाल ये है कि कहीं ये न्यूज सलमान खान को कोई मैसेज देने के लिए तो नहीं है, क्योंकि सलमान एक दिन के लिए अपना टीवी शो शूट करने दुबई से मुंबई आ रहे हैं और जब सलमान दुबई गए थे तो उनके और कैटरीना के बीच सलमान के घर के बाहर कुछ अनबन की कहानी मीडिया ने दिखाई थी, जिसमें कैटरीना सलमान को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। और कहीं ये कहा सुनी रणबीर को लेकर ही तो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसी के ठीक एक दिन बाद कैटरीना ने अजब प्रेम की गजब कहानी के सीक्वल में रणबीर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। और अब न्यूज आ गई है कि रणबीर अकेले नहीं है भैया, अकेले नहीं है भैया। बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर वो ही न्यू ईयर पर अकेले रहते नजर आ रहे हैं और उनकी कैटरीना भी अकेली हैं दिल्ली में। तो फिर सलमान का कैटरीना के साथ रीयूनियन दिल्ली में हो या दुबई में या फिर मुंबई में, इसकी कहानी पता चलेगी बी टुनाइट के आने वाले एपिसोड्स में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।